नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु मिश्र है। मैं कक्षा आठ में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखा है। मैंने यहाँ पे एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और किस प्रकार होता है। जब सूर्य अपने सूर्य का पृथ्वी में किसी भी पेड़ या पौधे पर पड़ती है, जैसे कि मैंने इस मॉडल में दर्शाया है कि सूर्य की किरणें जब इस पेड़ में पड़ती है, तो पत्तों से उनका जल वाष्पित हो रहा है और एवं सूर्य पत्तों से अपना भोजन सूर्य के किरण से पेड़ अपना भोजन बना रहे हैं। और भोजन बनाते समय पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जिसे हम आहार ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। जब सूर्य की किरणें किसी पेड़ या पौधे में पड़ती है, तो कोई पेड़ अपने भोजन की प्रक्रिया उस प्रकार उसमें करते हैं। जैसा कि मैंने इस मॉडल में दर्शाया है, पत्तियों से भोजन सबसे बड़ा कार्य पेड़ की सहायता भोजन बनाने में पत्तियां करती हैं। एवं जो पेड़ों को पानी चाहिए होता है, तो उसका काम ये जड़ें करती हैं। जब बारिश होती है, तो भूमिगत जल इस पेड़ की सतह से ऊपर जड़ के जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे होती है, जिस कारण वह भूमिगत जल को अवशोषित करती है और पूरे पेड़ पौधों में पानी की कमी को पूरी करती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर एवं कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।